अस्सलाम वालेकुम। क्लास टेंथ बेटा लेक्चर नंबर 22 है बेटा। के लेक्चर नंबर 22 में एक्सरसाइज 4.2 चल रहे थे बेटा। एक्सरसाइज 4.2 के पहले चार क्वेश्चन बेटा पीछे प्रीवियस लेक्चर में आपने कर लिए थे। आज मैंने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटी सी तकनीक है जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं बेटा। उस तकनीक के लिए बेटा मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ आ जाए। क्वेश्चन बेटा क्या है, ये आपके पास गिवन है 1/(x²-1) वो एक्स प्लस के आ गया 1 आ गया बेटा। ऊपर वाला सबसे पहले हमने वही चेक करना है बेटा कि ये क्या है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो चेक करिए ऊपर एक्स का वेरिएबल है ही नहीं बेटा, यानी ये क्या है, प्रॉपर ही है, नीचे ग्रेटर वैल्यू ही है। ओके, पहला स्टेप क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, चूँकि ये रिपीटेड हो रहे हैं बेटा, रिपीट नहीं हो रहे, इससे बेटा एक्स 4.3 जो नेक्स्ट आएगी उसकी तरह सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये वैसे सोल्व नहीं होगा क्योंकि 4.2 है, आपको पता है फैक्टर रिपीट होंगे, तो कल हमने रूल नंबर 2 सीखा था उस हिसाब से होना है। तो बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू लिखा बेटा, आपको पता है a²-b² किसके इक्वल होता है बेटा, x+1 और x-1 होता है। ये x+1 वैसे ही आ गया बेटा, आगे नाउ बेटा क्या हो गया 1/(1) बेटा, ये x-1 साइड पे कर लिया बेटा, ये सेम है तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ये जो चीज़ है बेटा ये आपसे मिस्टेक होती है, ये बच्चे ओपन नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मिस्टेक करके बेटा पूरा क्वेश्चन गलत करवा लेते हैं। इस तरह पहले फार्मूला ओपन करना है, इसको अरेंज करके बेटा ये क्वेश्चन बना। अब देखिए ये 4.2 का क्वेश्चन बन गया बेटा, रिपीटर बेटा हो गया, रिपीट वाला फैक्टर बेटा। तो इसको जैसे कल वाला क्वेश्चन किया था उससे वैसे प्रीवियस लेक्चर की तरह बेटा अब ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। आप लिखा नाउ लेट बेटा, ये लिखा a/(x-1) हो गया, प्लस b/ क्या हो गया, x+1 हो गया, प्लस c/ क्या हो गया, x+1² हो गया। क्लियर बेटा ये स्टेप, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया था बेटा। अब बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड बेटा, क्या इस पूरी वैल्यू के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, इज़ इक्वल टू बेटा a के साथ ये कैंसिल होगा तो क्या बच गया, x+1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर बच गया, प्लस बेटा b वाला a कट गया तो क्या बच गया, x-1 और x+1 बच गया, प्लस बेटा c के साथ ये टोटल कैंसिल होगा तो क्या बच गया, x-1 बच गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर बेटा क्या कह दिया, 2 कह दिया। क्लियर बेटा, फिर सिंपल वही बेटा, पहला ये वाला है तो इसे पुट क्या करेंगे, पुट x-1=0, x क्या आ जाएगा 1, इसको पुट इन किस में करेंगे, इसमें 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पे चेंज हो रहा है बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ फिर अगेन मेंशन कर दिया है, वहाँ पुट करेंगे बेटा। आगे बेटा हम x+1 तो क्या बन जाएगा, x-1 बन जाएगा, वो पुट करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें सब बच्चे, बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अगेन लिख दिया यहाँ पे, देखें दोबारा लिखिए, एक्स क्या पुट करे थे 1, तो यहाँ 1 वैसे आ गया, एक साथ 1+1² हो गया, प्लस 1-1 हो गया, 1-1 1+1 होगा, c 1-1 हो गया, 1 आ गया बेटा, 1+1 क्या होगा, 2 होल का स्क्वायर हो गया, प्लस b के साथ ये 0 सबसे मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 0 हो गया, यहाँ भी c के साथ 0, ये 0 सारे 0 हो जाएंगे बेटा, 2 तक क्या हो गया 4, यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू क्या है, क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, तो a हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। क्लियर बेटा, एक वैल्यू फाइंड हो गई। दूसरा हमारे पास पुट क्या था बेटा, x+1=0 था, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 1 के साथ देखा तो x=-1 हो गया, इसे पुट करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 में, कैसे होगा बेटा, 1 आ गया तो बेटा क्या पुट किया है बेटा, -1+1² हो गया, प्लस -1 -1 -1 +1 हो गया, c=-1 -1 हो गया, ये -1+1 0 हो गया बेटा, ये भी सारा 0 हो गया, और यहाँ माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया, ये सब 0 बेटा, ये -2 बेटा, इक्वल टू को दे जाएगा, डिवाइड हुआ बेटा, तो c=2 क्या आ गया, -1/2 आ गया। ए फाइंड हो गया बेटा, सी फाइंड हो गया, थर्ड वैल्यू के ऊपर बेटा क्या स्केल आएगा, तो बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 को अगेन सोल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे, देखे बेटा 1 है आगे बेटा, a x+1 का मैंने स्क्वायर का बेटा क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्या बन गया, x²+1+2x बन गया, प्लस बेटा ये क्या होता है बेटा, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, x लिख दिया, x+1-1 x+1 आ गया, प्लस c के साथ x-1 आ गया बेटा, a को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ax² हो गया, प्लस a हो गया, प्लस 2ax हो गया। ओके बेटा, प्लस बेटा b के साथ x² हो गया, आगे बेटा प्लस x हो गया, -x±1 हो गया, प्लस बेटा cx हो गया, माइनस का क्या हो गया, c हो गया, ये x और x कैंसिल हो गया बेटा,
वन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बेटा ए हो गया प्लस टू ए एक्स हो गया प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, आगे माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी आ गया। मैंने कंपेयरिंग भी लिखा बेटा, बाय कंपेयर बेटा, मैंने सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा था, पावर कौन सा स्क्वायर है बेटा, ये वाला और ये वैल्यू ली बेटा, क्या आ गया ए प्लस बी आ गया इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया जीरो। यहाँ एक स्क्वायर वाली वैल्यू कोई नहीं है बेटा, तो क्या आ गया जीरो आ गया, तो बेटा जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। आप बेटा जीरो लिख दिया है, ए की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा, ये वन बाई फोर पुट की, यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, इक्वल टू किधर आ गया हो गया माइनस हो गया, ये आपके पास बी का आंसर आ गया बेटा। अब आपके पास ए भी फाइंड है, बी भी फाइंड है, सी भी फाइंड है, तीनों वैल्यू को बेटा हमने क्या क्वेश्चन नंबर वन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बेटा चेक करें, मैंने क्वेश्चन नंबर वन पिछले पेज पे तो यहाँ दोबारा मेंशन किए बेटा, पुटिंग दी वैल्यूज, ये वाली यारी वैसे आ गई बेटा, ए की जगह वन बाई फोर पुट कर दिया, बी की जगह माइनस वन बाई फोर पुट कर दिया, सी की जगह माइनस वन बाई टू पुट कर दिया, ये सारी वैल्यू वैसे आ गई। इक्वल टू बेटा ये बटे के नीचे बेटा फोर नीचे आ गया, वन बाई फोर एक्स माइनस वन हो गया प्लस माइनस माइनस, वन बाई फोर एक्स प्लस वन हो गया प्लस माइनस माइनस, वन बाई टू क्या हो गया एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। बेटा ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर एट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बार बार वीडियो रिपीट करके देखेगा, फिर भी कोई मसला परेशानी हो तो बेटा मुझसे या स्कूल आकर भी डिस्कस कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा बेटा। आगे बेटा होम असाइनमेंट में क्या किया गया है, एक्स ए 4.2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीन क्वेश्चन बेटा आपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सॉल्व करना है बेटा। आज से एक्स ए 4.2 कम्प्लीट हो गई बेटा, आपके तमाम का शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।